आप सुन रहे हैं सहर विद कामिनी खन्ना। दुर्गे स्मृता हर्षि भीति मशेष जंतु स्वस्थे स्मृता मति मतीव शुभां ददासि दारिद्र दुख भय हारिणी का त्वदन्य सर्वोपकार करणाय सदार्ध चित्ता। दुर्गाष्टमी है आज, माँ दुर्गा का ध्यान धरिए और प्रणाम करते हुए मेरे साथ बोलिए कि हे दुर्गा माँ, आप सभी प्रकार की भीतियों से भय से हमारी मुक्ति कीजिए। दारिद्र दुख ये जो हमें संकट देते हैं इनसे हमारी मुक्ति कीजिए। और आप बहुत ज़्यादा आर्द्र चित्त वाली हैं, प्यार देने वाली हैं, आप माँ हैं तो अपने आंचल की छांव हम बच्चों पर कीजिए। सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात। मैं कामिनी खन्ना सहर कार्यक्रम में आप सभी के साथ इस दिन की मंगलमय बधाइयाँ बधाइयाँ जी बधाई। आज 11 अक्टूबर 2024 चंद्रमा धनु राशि में सुबह 11:40 तक, उसके बाद मकर राशि में नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा, सूर्य का नक्षत्र देर रात्रि तक, उसके बाद चंद्र का नक्षत्र। दुर्गाष्टमी है आज, महाअष्टमी उपवास है आज, कंजक पूजन होंगे नॉर्थ में और जो जो करते आए हैं उनके यहाँ, और महानवमी उपवास भी आज ही है, तो अष्टमी और नवमी जो है वो आज ही मनाई जाएगी। तो जो लोग आज कंजक पूजन नवमी को करते हैं वो भी आज कर सकते हैं, सरस्वती बलिदान दिवस है। आइए थोड़ी ही देर में हम जानेंगे, बुध कल तुला राशि में प्रवेश कर गए थे सुबह 11:19 पर, उसका क्या असर हुआ ओवरऑल दो चरणों में मेष से लेके मीन राशि पर। मेष राशि, आपका बुध का तुला राशि में बैठना विवाहित जीवन और व्यावसायिक जीवन के पार्टनर को बहुत सपोर्ट करेगा, व्यवसाय बढ़ेगा, शादी के अवसर बनेंगे और आपके विवाहित जीवन के साथ ही आपके साथ मिलकर व्यवसाय भी कर सकते हैं बुद्धिमानी से। वृषभ राशि, तुला में बुध यानी के नौकरी पाने की चाह, आप अभी बुध के आधार पर आप अपनी कार्यशैली में चेंज ला सकते हैं, आपका व्यवहारिक ज्ञान और व्यवहारिक कुशलता बढ़ेगी और आप साथ साथ लोन्स भी पा सकते हैं। मिथुन राशि, मानसिक बेचैनी खत्म होगी, अब आपको क्लियर दिखाई देता है आपको करना क्या है, आपके विचार बड़े शुद्ध हैं, व्यावसायिक हैं, व्यवहारिक हैं और आप चतुर भी हो गए हैं तो अच्छा है, बच्चों के लिए भी सही सोचेंगे, अपने लिए भी सही सोचेंगे, अध्ययन विद्या पढ़ाई दोनों का ही बढ़ेगा। कर्क राशि, अब माता को सपोर्ट मिलेगा, तबीयत अच्छी होगी, व्यवहारिक ज्ञान आएगा, घर में कोई अनबन नहीं होगी, आपके रेनोवेशंस की बातें चल सकती हैं, आपके प्रॉपर्टी और वाहन लेने की बातें भी चल सकती हैं। सिंह राशि, आपके कुछ काम जो आप जुगाड़ नहीं लगा पा रहे थे यात्राओं में धन को पाने का, तो अब धन मिलेगा आपको और आपके छोटे भाई बहन इसमें सपोर्ट करेंगे, सिर्फ मनोरंजन ही नहीं एंजॉयमेंट ही नहीं अब आप कार्य भी करेंगे। कन्या राशि, आपके लिए कुछ काम जो स्व से रिलेटेड थे, जो धन लाने में सक्षम थे आप करेंगे, जैसे मीडिया आर्ट वगैरह से रिलेटेड, तो उससे धन भी आएगा, संचित धन भी बनेगा, आपका परिवार में भी व्यवहार कुशलता बढ़ेगी, वाणी में हो जाएगा। तुला राशि, बहुत ही शुभ प्रभाव आप पर, अब खर्चों की अधिकता से आप त्रस्त थे, अब जो खर्चे होंगे आप पर होंगे, आपकी पर्सनैलिटी में चतुराई आएगी, आप व्यवहार ज्ञान कुशलता पूर्वक जानोगे और बिजनेस भी कई सारे करोगे, खेती वगैरह से रिलेटेड काम हो, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम हो या मीडिया से रिलेटेड आप करोगे। वृश्चिक राशि, अनाप शनाप खर्चे तो हो सकते हैं कार्ड्स पर हैं, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से बुध द्वादश में नीच के होते हैं, लेकिन यहाँ पर उनके मित्र का घर है तो आपका उच्च कोटि का प्रेम संबंध भी बन सकता है, वहीं पर विदेशों में आपके टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या कोई अन्य काम व्यवसाय से रिलेटेड हो सकते हैं। धनु राशि, कुछ कार्य करना चाहते हैं आप पिता से मिलकर या ताया चाचा के साथ मिलकर, या आपको मुक्ति चाहिए किसी से विवाद
वगैरह से रिलेटेड, तो वो भी मिलेगी। धन आएगा बुद्धिमानी से, और बुद्धिमानी से एमिकेबली केसेस वगैरह को खत्म करेंगे। मकर राशि, आपके लिए कुछ काम ऐसे हैं जो आप अपने नसीब से करना चाहते थे, आप वो बनेंगे, क्योंकि आपने बीज बो दिया था। आप चाहते हैं आपके आपका व्यवसाय बढ़े, आप टेक्नोलॉजी या खेती या कोई अन्य नौकरी से रिलेटेड काम, ओहदों से रिलेटेड काम करना चाहते हैं, उसमें आपको यश मिलेगा। कुंभ राशि, कई सारे काम आपके बनाने के लिए बुध अब आ गए भाग्य भाव में, और ये आपको ले चले यात्रा पर, जहाँ पर आपकी यात्रा सफल हुई कार्य की, और आपके पिता से भी सहयोग मिला, नए नए आयाम खुले, आपके नसीब ने साथ दिया और आपके ज्ञान ने साथ दिया। मीन राशि, अब देखिए आपकी तबीयत ठीक होने की दिशा में आपने काम किया और उसमें यश मिला। आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं अपने वैवाहिक जीवन और व्यावसायिक पार्टनर के साथ, वो भी होगा। अंकुर आपका बोलते ना, आपने बीज बोना सीख लिया है कार्य के लिए, तो वो कार्य आपका अंकुरित होगा और साथ साथ में आपके मन की इच्छाएं भी पूरी होंगी। अब आप अध्यात्म की तरफ भी मुड़ सकते हैं, लेकिन टेक्निकली, मतलब कुछ लोग मीडिया पे सुनते हैं भजन, जैसे खुद नहीं करते। आज माँ की महाअष्टमी है और आज कंजक पूजन होगा। आज आप अपने पारणा कर सकते हो नवरात्रि का। आज आपके उपवास फलित होंगे और आज आपके घर में ब्राह्मण द्वारा पूजा पाठ भी हो सकती है। इसी के साथ दुर्गाष्टमी और नवमी के साथ माता रानी